कुरुक्षेत्र में पहुंचे केंद्रीय जल राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने एसवाईएल जल विवाद पर कहा कि मेरिट पर मंत्रालय में बात होती है और सारा मामला उनके संज्ञान में है। केंद्र हरियाणा सहित 5 अन्य राज्यों में जल संरक्षण में संचय के लिए अटल भूजल योजना के तहत 6,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दिल्ली चुनाव पर उन्होंने कहा कि परिणाम बीजेपी के पक्ष में आएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि जब लोकसभा में सीएए को अमित शाह ने रखा था तब भी विपक्ष ने ही इसको लेकर हंगामा किया था और अब विपक्ष लोकसभा के बाहर भी जनता को सीएए को लेकर भड़का रहा है। देखिए ऐसा है, मैं हरियाणा का रहने वाला हूं और हरियाणा से ही मेंबर पार्लियामेंट हूं, लेकिन केंद्र में जल शक्ति मंत्री हूं और इस विषय पर मेरी कुछ मर्यादाएं हैं और अगर मैं सार्वजनिक रूप से इसमें कुछ बोलूंगा तो पंजाब जो है कल को ऐसे ही खड़ा खड़ा कर देगा भाई, क्योंकि मंत्री जी हरियाणा के रहने वाले हैं और उसको मामले को जो है पॉलिटिकलाइज करने की कोशिश करेंगे। इसलिए जो भी उसमें मेरिट के ऊपर जो कुछ कहना है वो मंत्रालय के अंदर ही बात होती है। आप हरियाणा वो सारी बातें संज्ञान में है, सारी बातें संज्ञान में है। और वाटर रिसोर्सेज के बारे में क्या करना चाह रहे हैं? हाँ देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने अटल भूजल योजना का श्री गणेश किया है और उसमें वाटर कंजर्वेशन के लिए, वाटर संचय के लिए 6,000 करोड़ रुपया 6 प्रांतों के लिए रखा गया है और हरियाणा भी उनमें एक प्रांत है। और हरियाणा के अंदर क्योंकि वाटर लेवल जो है वो बहुत नीचे चला गया है और 60% से ज्यादा जो यहाँ के ब्लॉक्स हैं वो बहुत ही चिंताजनक स्थिति में वाटर लेवल के अंदर पहुंच गए। तो कानून बनाया गया है, उस कानून में सिर्फ उन लोगों का जिक्र है जिन लोगों को पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान के अंदर जो है वो प्रताड़ित किया गया है पिछले 70 सालों में। ऐसे लोगों को जो है सिटीजनशिप देने का प्रावधान उस बिल के अंदर जो है किया गया है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जब लोकसभा में इस बिल को अमित शाह जी ने रखा था तो उस समय तो ये कांग्रेस और उसके अंतरंग मित्र दल जो थे वो बॉयकॉट कर गए और बाहर जाकर जो है शोर मचाने लगे। यानी कि जो प्रजातंत्र का जो मंदिर है, लोकसभा है, वहां पर तो बहस करने से कतराते हैं और बाहर जनता को भड़काते हैं, तो ये भी कोई लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। धीरे धीरे करके मुंह की कहानी पड़ रही है।